ఇప్పటి కాంగ్రెస్ వెంటిలేటర్పై ఉంటూ చివరి ఘడియలు లెక్క పెడుతోంది అంటూ యొక్క టీకాశ్రం ఎంఐఎం వారి రాష్ట్రీయ అధ్యక్షులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ వీరు అన్నారు. सोलापूर जिल्ह्यातील शहर मध्य शहर उत्तर आणि दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील एमआयएम पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ रविवारी पार्क स्टेडियम इथं जाहीर प्रचार सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी असदुद्दीन ओवेसी हे जाहीर सभेत बोलत होते. देशात आणि राज्यात काँग्रेसचं अस्तित्व आता संपुष्टात आलंय. येणाऱ्या काळात देखील काँग्रेस ही पूर्णपणे नष्ट झाल्याचं दिसून येईल. आजची काँग्रेस ही व्हेंटिलेटरवर आहे असं म्हणत काँग्रेसवर एमआयएम पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवेसी यांनी जोरदार हल्ला चढवला. कि मेरे भाई, हमारे वतन अजीज भारत का सेकुलरिज्म अब किसी दवाखाने में वेंटिलेटर पर आखिरी सिसकियां ले रहा है. अब सेकुलरिज्म बिस्तर मर्ग पर पहुंच चुका है. अगर आप आकर दोबारा मुस्लिम अखलियत हमारे दलित भाइयों से, हमारे दंगर समाज के भाई और बहनों से कहेंगे कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, तो मेरे भाई, हमने 70 साल इस मरीज को बहुत दवाएं दी. सिर्फ हमने ही दवाएं दी, इसी को हमने जिंदा रखा. अब 70 साल के बाद उसमें बहुत सी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, जो हमारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से उसमें बीमारियां पैदा हो चुकी हैं. ये इनकी गलतियों की वजह से आज सेकुलरिज्म वेंटिलेटर पर है. और मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर बीजेपी 300 सीट पर कामयाब हुई, कांग्रेस 55 सीट पर कामयाब हुई, ये आपके लिए वाजे पैगाम है. अकलमंद को इशारा काफी है. दरम्यान एमआयएम पक्षाच्या शहर मध्यचे उमेदवार फारूक शाब्दी यांनी सोलापुरातील मतदारांना सर्वाधिक मतदान करण्याचं आवाहन केलं. लेकिन उसका हर सवाल का जवाब आप भाइयों के पास, बहनों के पास नहीं होता है. तो आज मैं उन कुछ चीजों को आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं. जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फारूक शाब्दी सोलापुर शहर मध्य मतदार संघ से हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रजामंदी से आप लोगों के बीच में आपका उम्मीदवार बन के आया हूं. तो सबसे पहले तो मैं ये ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस फैसले पर लब्बैक कहकर जो असद साहब की पसंद है उसके साथ जाकर आप लोग इस इलेक्शन में जो गए बार अधूरा काम रह गया था हमारा, जो गए बार आप लोगों ने इतनी मेहनत करके पहलवान साहब को 37,000 वोटों तक पहुंचाए थे, उस अधूरे काम को इंशाल्लाह इस बार हम पूरा करेंगे.